सबसे पहले तो पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी काविशों के बाद कराची में फाइनल के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि कराची हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बल्कि हमारे कराची को अच्छा नहीं समझा जा रहा था, लेकिन पीसीबी और हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने अब कराची को एक नए रूप से सारी दुनिया के सामने ला रहे हैं कि कराची ऐसा कोई कुछ इधर गलत नहीं है, ये पूरा मन सिटी है, जैसे पूरा मन पाकिस्तान है ऐसे कराची भी पूरा मन सिटी है। ये एक क्रिकेट है, इसमें किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। इसमें यह बॉलर के अपना 100% दे, बैट्समैन के माइंड से खेले, जो जल्दी अपनी थिंकिंग को बैट्समैन पे आजमाए कि बैट्समैन क्या सोच रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। ये T20 है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इंसान को क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं इसमें। बचपन में तो आइडियल जो थे वो विकी भाई लोग थे, आसफ भाई थे, लेकिन अभी मैं एज ए ऑलराउंडर खेल रहा हूँ, तो अभी तो मेरा बेन स्टोक है आइडियल। PSL में मैं फर्स्ट पोजीशन है, इतना मुझे आइडिया नहीं है बाकी, क्योंकि मैं अभी बहुत कम प्लेयर से खेला हूँ, मेरे 2-3 टूर हैं। तो PSL में जो TV पे हम देखते रहे हैं, तो केविन पीटर्सन वो काफ़ी मुश्किल बैट्समैन लग रहा है, क्योंकि उनकी हाइट है उन्हें बाउंसर के लिए, लेकिन फिर भी इंसान अगर अपनी एबिलिटी को बैक करे, अपनी स्ट्रेंथ पे रहे, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। होम ग्राउंड का एडवांटेज तो उन्हें होगा, लेकिन हम इसके टेंशन तब लेना कि हम आउट ऑफ कंट्री खेल रहे हैं, हम खेल पाकिस्तान में रहे हैं, इसका हमें भी एडवांटेज है कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। इस्लामाबाद दूर नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पूरे पाकिस्तान में है फैंस। इधर कराची, अगर कराची का होम ग्राउंड होगा, कराची का ये क्राउड होगा, लेकिन इस्लामाबाद भी पीछे नहीं होगा। तो फाइनल में मेरी जो कोशिश होती है हर मैच में, मैं किसी एक प्लेयर को टारगेट नहीं करता, मैं अपना टारगेट सबके अगेंस्ट करता हूँ कि मैंने इसके खिलाफ ऐसे करना है, इसके अगेंस्ट ऐसे करना है, इसके अगेंस्ट ऐसे करना है। नहीं, एक प्लेयर को तो नहीं ना फिर टारगेट करते, फिर आपका एक पे फोकस रहता है। मेरी जो है, मैं सब पे टारगेट करता हूँ ताकि मैं सब पे रहूँ, ये ना हो कि मैं एक पे टारगेट करूँ और मैं एक पे ही रह जाऊँ, बाकी भी तो खेलने आए हुए हैं।